पूजा की थाली या कोई भी त्योहार लड्डुओं के बिना अधूरा होता है, तो इसीलिए आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ 3 चीजों के साथ 20 मिनट के अंदर बेसन के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप घी। कटोरी से आप इसे मेजर करें तो ये 1 कटोरी घी है। घी को हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पिघलने देना है, और जब तक हमारा ये घी पिघल रहा है तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गैस हम बढ़ाएंगे नहीं, गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। बहुत आसान से लड्डू है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। तो ये हमारा घी अब बिल्कुल पिघल चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बेसन। ये लगभग 200 ग्राम बेसन यहाँ पे मैंने लिया है। 200 ग्राम बेसन के लिए 1/3 कप यहाँ पे मैंने घी लिया है। तो हमें इस बेसन को घी के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। अगर आप कटोरी के साथ मेजर करने वाले हो तो आपको 1 कटोरी घी लेना है और 4 कटोरी आपको बेसन लेना है। हमें इस बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है। बेसन को भूनने के लिए हमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पे लगने वाला है। गैस को हमें हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इस बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरीके से भून रहा है। अभी घी की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी गांठें हो गई है। बेसन के लड्डू तभी अच्छे बनते हैं जब बेसन बहुत अच्छी तरीके से भून चुका होता है। बेसन अच्छी तरीके से भून चुका होता है तभी बेसन के जो लड्डू है वो बहुत अच्छी तरीके से दानेदार बनते हैं। तो आपका जो बेसन है वो अच्छी तरीके से भून चुका है, ये आप कैसे समझोगे? जब आपका बेसन है वो थोड़ा सा कलर बदल देगा, वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा और बेसन का जो अरोमा है वो पूरे घर में आने लगेगा, तब आप समझ जाना कि आपका बेसन जो है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये बेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। यहाँ पे 1/3 कप ही हमने घी लिया है, उससे ज्यादा हमने 1 टेबलस्पून भी घी नहीं डाला है। तो हमारा ये जो बेसन है वो भुनने के बाद कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से घी की वजह से ये थोड़ा सा गीला हो चुका है। घी बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसन के साथ मिक्स हो चुका है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए और थोड़ा पकाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, सिर्फ 1 बात का ध्यान रखना है कि आप बेसन को अच्छी तरीके से भूनें। तो ये अब हमारा बेसन भून के बिल्कुल रेडी है। इसे हम रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर देंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर। यहाँ पे मैंने 1/2 कप शक्कर ली है। जिस कप से हमने बेसन मेजर किया था तो उसी कप से यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। तो अब हम इस शक्कर को हमारे बेसन के लड्डू के मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। शक्कर हम पूरी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी शक्कर हम हमारे इस बेसन के लड्डू के मिक्सचर में डालते जाएंगे। हम शक्कर को पूरी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है और फिर आपको सिर्फ पाउडर शुगर उसके अंदर ऐड करनी है। ये पाउडर शुगर हमारी नॉर्मल शक्कर है जो मैंने मिक्सी में से निकाल ली थी। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगेगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो शक्कर हमने ऐड कर ली, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी इलायची। थोड़ी शक्कर हमारी बची है, हम वो भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इलायची को अच्छी तरीके से हमारे बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा सा हम एक डो बना लेंगे। तो अच्छी तरीके से अब हम करते हैं हमारे इलायची को मिक्स। इलायची मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारी बची हुई शक्कर। शक्कर मिक्स करने के बाद हम हाथ से अच्छी तरीके से इसका एक बहुत अच्छा नरम सा डो बना लेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए मसल लेंगे। मसलने की वजह से हमारे ये जो बेसन के लड्डू है वो बिल्कुल दानेदार बनेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो इस रेसिपी को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल आसान थी, हमें सिर्फ 1/3 कप घी लेना था। घी के अंदर बेसन को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। ध्यान दें जब भी आप ये लड्डू बनाएं बेसन को बहुत अच्छी तरीके से भून लें, तभी आपके जो लड्डू है वो बिल्कुल अच्छे बनेंगे। तो देखिए हम ले लेंगे छोटा सा पोर्शन हमारे लड्डू के मिक्स से और फिर इसे दोनों हाथों के बीच में हमें सर्कुलर मोशन में घुमा लेना है। लड्डू बनाना बिल्कुल आसान होता है, थोड़े से पोर्शन को हमें दोनों हाथों के बीच में रख के राउंड राउंड घुमा लेना है। इससे आपके जो लड्डू है वो बिल्कुल अच्छे बनेंगे और उससे आपके लड्डू भी है वो बिल्कुल गोल बनेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये जो बेसन का लड्डू है ये बिल्कुल बन के तैयार है। कितना सुंदर ये दिख रहा है, इसे देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो उसी प्रकार हम दूसरा लड्डू भी और बना लेंगे। लड्डू बनाना बहुत आसान होता है और ये रेसिपी भी बहुत आसान है। उम्मीद है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करोगे और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेसिपी का फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना बिल्कुल ना भूलें।
तो देखिए, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये जो बेसन के लड्डू है ये अब बिल्कुल रेडी है। बेसन के लड्डू बनाना बहुत आसान चीज है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो बेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। बेसन भुन चुका है ये दो बातों से पता चलता है, बेसन का कलर चेंज होता है और बेसन का अरोमा पूरे घर में आने लगता है। और लड्डू बनाना भी बहुत आसान चीज है। थोड़े से पोर्शन को आपको ले लेना है और दोनों हथौलियों के बीच में इसे गोल गोल घुमा के उसका लड्डू बना लेना है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लड्डू को पिस्ता या बादाम भी सजा सकते हैं। तो ये बेसन का लड्डू बिल्कुल रेडी। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।